यो गाइस, दिस इज मुंबई द राइडर नेनेश। और आज कुछ खास होने वाला है। आज हमारे साथ है भाई हमारे बाइकर 390 सौरभ माइकर, एक्स बाइकर। अरे आने वाले भाई साहब के वीडियो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। नए नाम के साथ? नहीं, नए नाम के साथ। ओके, नए नाम के साथ, ठीक है। अभी तो कुछ नया नाम होगा ही ना भाई, अभी तो 390 नहीं रही, अभी भाई साहब के पास टाइगर आ गई है। और कुछ तो ऑर्डर बनी, तुम्हारे वीडियो चालू होते ही ऑर्डर। देखो भाई साहब का 7th Heaven केक शॉप है महाकाली में। ये हमारा केक शॉप है, हमारा 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 केक शॉप है महाकाली में। तो कभी केक्स वेक्स चाहिए रहेंगे तो मैं तो बोलो लोकेशन डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छे रेट में अच्छे कस्टमाइज केक्स बनाते हैं हम, एंड सिर्फ वन डे प्रायर ऑर्डर, मतलब सिर्फ एक दिन पहले ऑर्डर लेते हैं और बना लेते हैं। तो अभी भाई साहब नाम चेंज करने वाले, अपने बाइकर 390 जो नाम है वो चेंज करने वाले हैं। रीजन ये है कि भाई साहब ने लिए है टाइगर, तो टाइगर कोई रीजन नहीं होगा। ऐसे नेम होगा, इसमें सब वीडियो डाल सब वीडियो डाल सके। ओके ओके ओके, सब वीडियो डाल सके। तो मेरा नाम कैसे? एकदम परफेक्ट, अच्छा है ना? ओके, तो अच्छा है। तो अभी भाई ने बोल दिया, बात खत्म। तो अभी आपके पास जो टाइगर है, अभी भाई साहब ने बोला है कि मुझे एक राउंड में लेकर आता हूँ टाइगर का, मुझे देखना है कि कैसा है, क्या है, मतलब टाइगर का फील कैसा है। तो कौन सा टाइगर है आपके पास? वही पुराना 800। अरे टाइगर कभी पुरानी नहीं होती, टाइगर टाइगर है, टाइगर टाइगर है। तो टाइगर कौन सा मॉडल? टाइगर 800 XRX 2016 मॉडल। चलो अभी हम चलते हैं, देखते ग्राउंड मार के आते, थोड़ा फ्यूल भी भरने का था, चलो उसी हिसाब से जाके आएंगे, जरा टेस्ट राइड करके आते हैं कि बाइक का मजा क्या है, फील क्या है। चलो लेट्स गो, मजा आएगा, मजा तो आएगा भाई, क्योंकि टाइगर टाइगर है। चलो तो अभी चलो चलते हैं, देखते हैं। ये हमारी टाइगर है, तो पहले मैं इसका लुक दिखा देता हूँ पूरा कैसा है। तो ये XRX टाइगर वेरिएंट फुल वाइट कलर में, और अल्फा लाइट लगाया हुआ है मैडॉक का, दोनों नए लाइट है। गंदा है, नहीं अच्छा लगेगा, ये गंदा ही अच्छा दिखता है, ये गंदा ही अच्छा दिखता है, टाइगर गंदा ही अच्छा दिखता है। सो भाई मेरा फेवरेट एरो का एग्जॉस्ट, बहुत मस्त लग रहा है ये। तो अभी ये बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है, कुछ ज़्यादा ही यूज है। आती है भाई साहब की तो हाइट एकदम वो साउथ इंडियन हीरो प्रभास जैसा है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको फ़र्क पड़ेगा। पहला हम साइड पे साइड पहला साइड नीचे रखने का, ओके, फिर मेन स्टैंड से हटाने का। अरे बाप रे, फिर साइड स्टैंड पे रखो, तो क्योंकि मेन स्टैंड सही से बंद नहीं होगा, नहीं तो ओके। और ये सब बैठने का सेल, यहाँ पे पैर रखो ऐसे ठीक से, मैंने तो चप्पल पहना है। और ये ऐसे चढ़ते, ओके। इसको बालकनी में कैसे आ गया रे? सो अभी ये चढ़ गए ठीक से, स्टैंड निकाल लिए। तो अब हम चलते हैं फ्यूल स्टेशन, ये ओपन कर दिया चालू। ओ रे भाई क्या गुंडा बनेगा रे तू, सॉरी, एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट भाई एक्साइटमेंट। तो क्लच दबाना पड़ता है, ओके। तो पहले क्लच, भी क्लच पे नहीं स्टार्ट होती, हाँ विदाउट क्लच नहीं स्टार्ट होता है। क्लच दबाया, ओके, अभी स्टार्ट। ओ भाई कड़क, तो चलो जाके आते हैं। ये तो वरुण, सो अभी हम चल रहे हैं पेट्रोल पंप पेट्रोल भरने के लिए। और भाई जो बताऊँ ना, फ्यूल का इंडिकेशन दिखा रहा है यहाँ पर। JVLR के पास अपना एक पेट्रोल स्टेशन है, तो JVLR के पास हम जाएंगे फ्यूल भरने के लिए। भाई क्या बताओ, जो फील है ना बाइक की, एकदम मक्खन है भाई, एकदम मक्खन है। और भाई ये जो एरो का साउंड आता है ना, बहुत ही प्यारा साउंड आता है यार। 3 सिलेंडर इंजन जो देती है टाइम, इसका विसल साउंड बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो चलो हम चलते हैं। और भाई पिकअप की तो बात ही मत करो भाई, पिकअप जो बाइक का है ना,
कड़क, क्या पिकअप है, क्या पिकअप है, क्या पावर है। मुझे सबसे बेस्ट लाइक टाइगर तो मेरी बेस्ट बाइक है, मतलब मेरे को बहुत बहुत पसंद है बाइक टाइगर। स्पेशली इसका जो सीटिंग पोजीशन है नॉल है ना यार, क्लास है भाई। कंफर्ट वाइज देखा जाए तो उसके हैंडल देखो ना, स्ट्रेट बॉडी टाइप के हिसाब से सामने सामने है, तो झुकना नहीं पड़ता जैसे कि स्पोर्ट्स बाइक पे झुकना पड़ता है, वैसे झुकना नहीं पड़ता, बहुत ही अच्छा पोजीशन है। ये बाइक है ही इतनी बड़ी ना, इतनी यूज बाइक है, लोगों का अटेंशन ऐसा ग्रैब करती है ना भाई, बहुत अटेंशन ग्रैब करती है। ओ भाई साहब, अभी हमने जाना है राइट, ये भी हम है JBLR पे भाई, चलो चलो जल्दी चलो। कॉमेडी की बात तो ये है कि मैं चप्पल डाल के टाइगर पे बैठा हूँ और टाइगर की जो हीट है वो हल्की हल्की आना स्टार्ट हो गई है। ये बाइक का जो कंफर्ट है ना भाई, जो अलग ही कंफर्ट जोन में हूँ मैं फिलहाल, मैं एक अलग ही कंफर्ट जोन में हूँ। सो अभी फ्यूल स्टेशन पे आ गए हैं, तो अभी पेट्रोल भरेंगे। बाइक फट्टे वजन है, जीन्स में ना बहुत कंफर्ट नहीं हो रहा है बैठने के लिए, इसके लिए प्रॉपर गियर वेयर पहन के बाइक चलाना ज़रूरी है। पाँच सौ भाई कैश, अंदर नहीं जाएगा, इतना ही इतना ही इतना ही। ये हो गया फ्यूल, चलो अभी निकलते हैं भाई। स्टार्ट क्लच, तो अभी जो हम आए थे वो तक्षशिला महाकाली से घूम के आए थे, अभी हम जो जा रहे हैं वो ये शॉर्टकट से जाएंगे। यहाँ पे एक शॉर्टकट है मस्त वाला, जो बाइक उठती है ना भाई ये एंड मुझे एक चीज़ नोटिस हो रही है ये बाइक में, ये विंडशील्ड के वजह से ना वो हवा मेरे मुंह पे ही नहीं आ रही है। लाइक जब भी मैं फेजर पे चलता हूँ तो ऑब्वियसली फेजर का विंडशील्ड इतना बड़ा नहीं है, बट ना पता चलता है। ओ भाई एक नंबर, जो पावर है ना, अभी हल्का हल्का वो गर्म होने लग गया भाई, जैसे कि मैंने चप्पल पहना हुआ है तो वो गर्मी यहाँ से पूरी आ रही है, बट ओके टाइगर टाइगर है भाई, टाइगर का मज़ा ही अलग है चलाने का। ये देखो हमारे रास्ते पूरे हैं, ये रास्ते रास्ते नहीं, ये ऑफ रोडिंग है और इसको सही तरीका ही चलाने का है, खड़ा रह रह के फटफट 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 निकालो ऐसा खड़े रहो और एक चुटकी में मस्का गाड़ी फटाफट 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 निकल जाती है।
एक बात तो है, बाइक बहुत वेट है, बट वो वजन की वजह से जो बाइक में जो स्टेबिलिटी है ना यार, बहुत बहुत ही प्यारा लग रहा है। अभी मैं वहाँ पे खड़ा हुआ पीछे, एंड खड़ा होके मैंने वो सट करके निकाल दिया। एक छोटा सा पैच था, मतलब ऑफ रोड नहीं बोल सकते, वो जो MMRDA के जो बार्स होते हैं ना, जो डालते हैं फ्लोरिंग के लिए मोस्टली फुटपाथ पे, तो वो वजह से बात ऐसी थी, पूरा एकदम उबड़ खाबड़ रास्ता था। तो भाई जो निकली है उसमें से, तो उस हिसाब से समझ जाने का कि बाइक कैसा है। ओ बस रुक गई भाई, तो अपना ये जो राइड है छोटा वाला वो यही पे ख़त्म हो चुका है। बट भाई जो बताओ ना यार, जो मज़ा आया है भाई। अरे अपनी पार्किंग चली गई, अपनी पार्किंग चली गई। अरे अरे अरे, किसका लगाया, कौन है, स्विगी वाला है? अरे नहीं, क्यों भाई? नहीं नहीं नहीं, टाटा नैनो नहीं आएगा। 10 आ जाएंगे, 10 टाटा नैनो। हाँ तेज तसन, हाँ हाँ तेज। एक बात है कि भाई कितनी अटेंशन ग्रैबिंग है ना, कि पब्लिक, सारे पब्लिक देखते रहते हैं भाई। बहुत अच्छा लगता है, प्यारा है। रखा, उतरने का तरीका भी यही है, ऐसे हटाओ बंद करो। ओ भाई जो मज़ा आया ना इसको चलाने में, इसका जो अलग ही अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा मज़ा आया, बहुत ही अच्छा फील आया, तो बहुत अच्छा लगा। एज़ पर ये तो मेरा तो फेवरेट है बाइक, मेरा तो फेवरेट बाइक है ये। इंजन बहुत ही स्मूथ है इसका, स्पेशली जो इसका साइलेंसर है भाई, बहुत ही प्यारा साइलेंसर है। एंड ये एक परफेक्ट बाइक है टूरिंग के लिए, ये परफेक्ट बाइक है ब्लू वो, मेरे को तो ये बेस्ट लगती है। 800 cc है, जितनी पावर चाहिए उतनी पावर है, कैपेसिटी है घूमने फिरने की, बहुत अच्छा है, प्यारा है। तो फ़िलहाल के लिए गाइस टाइगर को बाय बाय कर दे, और अपना जो आज का ये टेस्टिंग ब्लॉग था वो यहीं पे ख़त्म करता है। तो लेट्स सी, अभी चलते हैं। तो फिलहाल मुंबई का राइडर साइनिंग ऑफ, और अगर आपको ये प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको टाइगर अच्छी लगे, तो प्लीज़ इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। एंड भाई छोटे मोटे सब्सक्राइबर बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बढ़ाने की, तो आप सपोर्ट करिए। चलो लेट्स गो।